बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 1 दिसंबर है और दिन है जुमे का। मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन से 69 रोज़ पहले 2 बड़े धचके लगे हैं। मसला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का मेन इशू पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान का मेन इशू पाकिस्तान की इकॉनमी है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने लोगों को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, अनसर्टेनिटी है, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे हालात होंगे तो क्या होंगे, सूरत हाल होगी तो क्या होगी और पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। और लोगों को एक खौफ ये भी है कि जिन जमातों ने इस पाकिस्तान को यहाँ पर लाई हैं तीन तीन चार चार बारियाँ लेकर, और जिन्होंने मिल के अभी 18 माह में मुल्क को तबाह और बर्बाद किया है, अब एक बार फिर जो बातगाश चल रही है कि वही दोबारा इक़्तदार में आएंगी, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर परेशानी है, तशवीश है और बहुत खौफ है लोगों को। लेकिन लोगों को एक खबर देकर थोड़ी सी तसल्ली देने की कोशिश की गई, और वह तसल्ली ये देने की कोशिश की गई कि देखें, इसहाक डार ने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह किया, लेकिन अब इसहाक डार वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे, अब एहसन इकबाल साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना होंगे। यानी पहला जो मुआशी डॉक्टर था नून लीग का, वो तो ठीक नहीं था, वो अताई था, अब हम एक प्रोफेसर को लेकर आ रहे हैं, और प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब जो हैं, जिनको नून लीग का रस्तू कहा जाता है, रस्तू साहब जो हैं, वो अब जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को चार चांद लगा देंगे। तो अब हुआ ये कि कल का जो दिन था, जुमेरात का दिन 30 नवंबर, 69 दिन पहले, यानी आज से अगर आप बात करें 69 दिन रह गए हैं, 8 फरवरी के इंतखाबात अगर होते हैं तो 69 दिन पहले जो बहुत बड़ा धचका पहुंचा है, 2 धचके लगे हैं नून लीग को, कि एक तो पुराने जो उनके मुआशी डॉक्टर हैं उनकी वारदात सामने आई है, और साथ ही जो नए हैं उनको उनकी अपनी पार्टी के अंदर से एक्सपोज़ किया जा रहा है। जो पहले बता देता हूँ आपको कि दानियाल अजीज़ साहब जो नून लीग के बड़े अहम रहनुमा हैं और इतने सिंसियर हैं कि उन्होंने अटैक किए अदलिया के ऊपर, अदलिया के बारे में सख्त बयान दिए नून लीग की और शरीफ ख़ानदान की मोहब्बत में, और जो है वो उन्होंने ये जो बयान दिए उसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट से डिसक्वालीफाई हो गए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे नहीं पता, क्योंकि दानियाल अजीज़ साहब का बहुत सख्त एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह ताला ने उन्हें लंबी ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने सेहत दे, तो मुझे मैंने ये देखा नहीं है, शायद अगर आप में से किसी ने देखो तो मुझे बताइएगा कि मियाँ साहब 23 अक्टूबर को आए थे पाकिस्तान, और एक माह से ज़्यादा उनको हो गया है, अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि वो दानियाल अजीज़ साहब के पास गए हो, अगर गए हैं तो मुझे बताइएगा, मैंने देखा नहीं है कि वो सिंसियर कारकुन रहनुमा जो इतना सिंसियर होकर साथ खड़ा रहा कि उसने अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो कुर्बान कर दिया, अभी तक मैंने नहीं देखा कि मियाँ साहब उनके घर गए हों। उनके वालिद साहब की भी डेथ हुई थी और उनके अपना भी एक्सीडेंट हुआ था, मैंने नहीं देखा कि मियाँ सब गए हों, अगर गए हैं तो शायद मेरी नज़र ना गुजरा तो मेरी तस्वीर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरा ख्याल यही है कि नहीं गए अभी तक। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि क्योंकि देखिए मियाँ साहब के लिए इस वक्त ये मैटर नहीं करता कि वो कौन उनके साथ था, नहीं, उनको इस वक्त इकतदार चाहिए, बस उसके लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि जब ये खबर आई, मैं उसके किस्से पे तो आता हूँ कि जो अनकट ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक कंपनी है जिन्होंने जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, अभी तो सिर्फ मैं आपको एक क्लिप सुनाऊंगा, वो पूरी चार्जशीट है और उसमें ऐसी चीज़ें डैमेजिंग है नून लीग के लिए, इलेक्शन से 69 दिन पहले उस डॉक्यूमेंट्री का सामने आना और उसमें जो चीज़ें हैं, जो इंकशाफात हैं सनसनी खेज, वो नून लीग को बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। अच्छा, अब आ जाए पहले दानियाल अजीज़ साहब ने जो बयान दिया, दानियाल अजीज़ साहब कहते हैं कि एहसन इकबाल बलदियाती हुकूमतों के बारे में ख़ुद को अकल कुल समझते हैं, उन्हें मकामती हुकूमतों से मुतलिक तकरीर झाड़ने से पहले जवाब देना चाहिए। उन्होंने दानियाल अजीज़ साहब ने कहा कि एहसन इकबाल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर काबू क्यों ना पा सके, इस नाहली की वजह से हमारी हुकूमत अवामी सतह पर मुकम्मल नाकाम हो गई थी, हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून महंगाई को काम रखने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखती थी, नून लीग MQM के इंतखाबात में साथ। अच्छा, फिर आगे वो कहते हैं कि दानियाल अजीज़ साहब ने मजीद कहा कि महंगाई की वजह से हमारी पार्टी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा, गरीब आवाम को कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ा, जो एहसन इकबाल की मुकम्मल नाअहली और नाकामी थी। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई का नोटिस लिया होता तो नाकामी पर यकीनन एहसन इकबाल को पार्टी ने महंगाई का नोटिस लिया होता तो नाकामी पर यकीनन एहसन इकबाल को बरतरफ कर दिया जाता, इलेक्शन सर पर हैं, पार्टी महंगाई का नोटिस ना भी ले तो आवाम हर हाल में लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो जो है वो अब लोग जो है वो वोट को महंगाई से जोड़ रहे हैं जिसके ज़िम्मेदार एहसन इकबाल हैं। अच्छा, इस पे उन्होंने नुसरत जावेद साहब और अदनान हैदर साहब के प्रोग्राम जो पब्लिक टीवी पे करते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया दानियाल अजीज़ साहब ने कि एक प्राइस कंट्रोल कमेटी होती है, जो उन्होंने यहाँ पर उसका नाम भी बताया, उसका प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी। उन्होंने कहा कि ये एहसन इकबाल साहब उसके सरबराह थे, चारों सूबों उसमें उनके अंडर आते थे, महंगाई के मामले में पूरी हायरार्की थी, और उस कमेटी का मकसद ही महंगाई को रोकना होता है, लेकिन एहसन इकबाल इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे,
और उन्होंने बहुत तनकीद की और उन्होंने कहा कि आवाम नहीं बख्शेंगे, बहुत नुकसान हुआ हमें महंगाई से, और बिल्कुल उन्होंने इतराफ़ किया कि आवाम की कमर तोड़ के रख दिया महंगाई ने। अब नून लीग का जो नया मुआशी डॉक्टर है उसको तो पार्टी के अंदर से ही जो बयान आया है एक्सपोज करके रख दिया गया है, और पूरा उन्होंने चार्जशीट भी कर दिया है और उन्होंने हाथ रख दिया है सर पर कि कौन असल बंदा था जो महंगाई के मामलों को देख रहा था। जो असल जिम्मेदार है वो हैं प्रोफेसर एहसन इकबाल नून लीग के अरस्तू, और अरस्तू साहब को उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया। तो नया मुआशी डॉक्टर भी पिट गया। अब आ जाएं कि पुराना जो मुआशी डॉक्टर था जो समदी भी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के मोहतरम उल मकाम मोहतरम जो हैं ये क्या नाम है इनका इसहाक डार साहब, इसहाक डार साहब की ज़रा आप सुन लें कि इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की मुईशत को बर्बाद किया। मैं आपको पहले मुख्तसर वैसे बता भी देता हूँ, जो अनकट ने डॉक्यूमेंट्री जारी किया है उसमें डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने बताया है, बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि 2013 से 2017 तक पाकिस्तान को ज़रूरत ही नहीं थी IMF के पास जाने की, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देना चाहता था नून लीग को, और उन्होंने कहा कि अगर हम अमरीका डायरेक्ट देगा उसके लिए कांग्रेस और वो लंबा उनको पड़ेगा काम। उन्होंने कहा तुम IMF के पास जाओ, हम IMF को कहते हैं तुम्हें पैसे दे देते हैं। IMF से उन्होंने पैसे लिए, ज़रूरत थी नहीं। और फिर अब सवाल ये भी है कि अमेरिका क्यों इनको ये फैसिलिटेट कर रहा था, अमेरिका इनसे क्या काम ले रहा था। आज भी आप देखें कि अमेरिका की सपोर्ट इनको है, और अमेरिका को बहरहाल पाकिस्तान के अंदर करप्ट और कमज़ोर लोग चाहिए, और इनसे ज़्यादा ताबेदार कौन हो सकता है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने तो कह दिया था कि अमेरिका हमारा सब कुछ है, हम वेंटिलेटर पर हैं, और अगर अमेरिका वेंटिलेटर का स्विच बंद कर दे, स्विच उनके पास है, तो हम मर जाएंगे भाई से कौम। तो साथ ही उन्होंने कुछ और भी इनकी वारदातें बताई हैं उन्होंने, जो डॉक्टर इशफाक साहब ने, कि कैसे इसहाक डार ने सिर्फ शेख रशीद को नीचे दिखाने के लिए $10 नीचे ले आए, और फिर एप्टमा ये जो गौर एजाज साहब की जिन गौर एजाज साहब के पास आजकल बड़ी अहम वजारत है, हम तो समझते हैं पीपल्स पार्टी के करीब है, पता चला कि नून लीग के साथ भी उनके बड़ी एप्टमा के हैं मामला, तो एप्टमा से इन्होंने इश्तहार दिलवाया अखबार में कि ज़बरदस्त हो गया कि $108 से $98 पर आ गया, और उसके लिए इसहाक डार ने $1.5 झोंका मार्केट में, $1.5। अगर उस वक्त $100 था, $108 था, तो यानी तकरीबन कोई $150 से ज़्यादा इसहाक डार ने सिर्फ शेख रशीद को नीचे दिखाने के लिए, शेख रशीद को वो करने के लिए के जी शेख रशीद का चैलेंज कबूल करने के लिए उन्होंने 150 से ज़्यादा तकरीबन $125 पाकिस्तानी झोंक दिया, सिर्फ एक अपनी ज़िद और अना के लिए और एक अपनी शर्त पूरी करने के लिए। ये पाकिस्तान को चलाया जा रहा था, ये पाकिस्तान के हालात थे, ये पाकिस्तान के मामला थे, फिर क्यों ना होती तबाही यहाँ तक आने में। और फिर वो बताया डॉक्टर इशफाक साहब ने कि फिर वो जो थी क्या कहते हैं जो एड एप्टमा ने पहले हक में लगाया, फिर एप्टमा ने 2 हफ्ते बाद दोबारा इश्तहार दिया और कहा कि जनाब हमारे तो चीखें निकल गई हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। तो ये जनाब आपके अफेयर्स थे जो पाकिस्तान के चल रहे थे, जिस तरह से ये आप डॉक्टर इशफाक साहब बता रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट्री में और बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं जो एक्सपोज करती हैं नून लीग को, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपको सुना देता हूँ, सुनेंगे डॉक्टर इशफाक साहब क्या कह रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हैवी हो और आपके डेट की पेमेंट भी बहुत हैवी हो, आपके पास डॉलर नहीं है,
تو پھر آپ جاتے ہیں ڈالر کی خاطر. اس وقت کوئی اس قسم کی کیفیت نہیں تھی, لیکن وہ گئے کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ ادھر سے آ جاؤ, ہم تمہیں پیسہ دلا دیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیر واز ناٹ این ہائی وے پروگرام, کیونکہ وہ پروگرام کے جتنے بھی ریویو ہوتا رہا وہ لانگ ڈسٹینس ہوتا تھا, وہ سب دبئی میں ہوتی تھی میٹنگس کی. جو دار صاحب نے کہا انہوں نے عوام فائدہ ملا کر دیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہم نے اس میں کی ہیں جو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں اس وقت آئی ایم ایف کے جو ریپرزینٹیٹو تھا, توقیر مرزا یوف اس کا نام تھا, اس کو میں کہتا تھا کہ تم کیا ظلم کر رہے ہو, اس کو چپ رہتا تھا, ایک لفظ نہیں بولتا تھا. تو میرے نزدیک وہ پروگرام نہیں تھا, کیونکہ ہم نے 15 ویور لیے تھے ایک پروگرام میں. اٹ از انپریسیڈنٹڈ ان دی ہسٹری آف دی آئی ایم ایف کہ ایک پروگرام میں جس نے 15 ویور دے دیے ہوں, آج یہ پروگرام چل رہا ہے, ایک ویور بھی نہیں ملا. تو اس لیے یہ چونکہ ان کی منشا تھی کہ تم آ جاؤ آئی ایم ایف میں, ہم تمہیں وہاں سے پیسے 6-6.5 بلین ڈالر کا ہمیں دلوا دیا. تو ٹھیک ہے, سب کچھ دار صاحب نے ایکسچینجر کو, جیسا آپ نے کہا, شیخ رشید کو نیچا دکھانے کی خاطر انہوں نے اپریشیٹ کر لیا. 108 روپے پر ڈالر تھا, یہ میرے پاس وہ رکھا ہوا ہے, میں کہوں گا آپ دکھائیں ذرا سا, میں نے فریم کر کے رکھا ہوا, لیا فلم اٹھا کے لے جاؤں, یہ گگن میں دکھا دیکھا ہم کو, یہ میں نے فریم کرایا ہوا ہے. یہ کبھی آئی ایم ایف میں کبھی ہوا نہیں ہے یہ کہ 108 روپے ڈالر تھا ہمارا, اس کو ہم 98 پہ لے آئے, صرف اس لیے کہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ 100 سے نیچے لا کے دکھا دو. انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری اسی طرح سے ہم تمہیں لا کے دکھاتے ہیں. اور سعودی عرب سے ہمیں کوئی 1.5 بلین ڈالر ملا تھا اسی گفٹ کے طور پہ, ہم نے پھینکا مارکیٹ پہ ایک دم نیچے آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں نے لکھا ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنے ریلیجن کو بدل دیا. میں نے آرٹیکل لکھا تھا اس پہ ڈیٹیل آف ٹو ایڈس کے نام پہ. ٹھیک ہے, ایک اس زمانے کے ایٹما والوں کو ہمیں نے فورس کیا کہ ہم ایکسچینج ریٹ کو نیچے ڈالیں, تم ایک ایڈ دو اخبار میں کہ وہ تعریف کرو. ان بیچاروں نے تعریف کر دی, زبردست کام کیا, زبردست ڈیٹیل آف ٹو ایڈس میں آرٹیکل بھی تھا اس پہ. اس کے بعد کیا ہوا, دو ہفتے کے بعد ان کی جان نکل گئی, کیونکہ وہ جب ایک ڈالر لاتے تھے تو 108 روپے مل رہا تھا, اب وہی ایک ڈالر کما کے لا رہے ہیں, ان کو 98 مل رہا, ان کو نقصان ہونے لگا. انہوں نے پھر شور بچایا. ٹھیک ہے, تو جی ہم لوٹ گئے, پھر شور بچایا. ٹھیک ہے, جی ہم لوٹ گئے, پھر بات ہو گئے. تو اسی پہ میں نے لکھا تھا ڈیٹیل آف ٹو ایڈس. اور میں نے پھر اس وقت جو لوگ تھے ایپ ٹماٹے کرتا چلتا, میں نے ان کو جب کال کیا, انہوں نے کہا سر ہماری مجبوری تھی, ہم پہ بہت پریشر ڈالا گیا تھا کہ ہم یہ ایڈ دیں, یہ دوسرا ایڈ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ جی ہم مارے گئے اس لیے. تو اس قسم کی پالیسیز تو ہم کرتے رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے زبردستی نیچے لیا ہے اور اس لیے میں نے اس کو فریم کرایا ہے, اور یہ میں نے آئی ایم ایف کے لوگوں کو بھی بھیجا تھا, اس فریم کی تصویر بنا کے جتنے بھی اس وقت کرتا ڈرتا تھے سب کو بھیجا. میں نے کہا یہ بتاؤ ویئر, تم نے کیا اپنے ریلیجن بدل دی ہے؟ جس طریقے سے کوئی ہندو سے مسلمان ہو جائے یا مسلمان سے ہندو ہو جائے, ریلیجن تبدیل ہو رہا ہے نا. آئی ایم ایف کا ریلیجن چینج ہو گیا, آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے کوئی ملک اس کی کرنسی اپریشیٹ ہو جائے, 108 سے 98 پہ آ جائے, یہ سمپلی انتھنکیبل ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف اپنے ریلیجن کو چینج کر دے. اسی لیے میں نے اس میں لکھا بھی تھا کہ کیا آئی ایم ایف نے اپنے ریلیجن کو بدل دیا. اور آگے انہوں نے بتایا کہ جب میں نے آئی ایم ایف والوں کو بھیجا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس طرح سے تو ہمارا ملک چل رہا تھا, اور اب انہی جماعتوں کو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. اسحاق ڈار کو مائنس کر دیا گیا ہے کہ وہ وزیر خزانہ نہیں ہوں گے, اور احسن اقبال صاحب ہوں گے. ان کا آپ نے سن لیا ہے کہ دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے تمام تر ذمہ دار اگر کوئی ایک شخص ہے تو وہ احسن اقبال ہیں, کیونکہ احسن اقبال صاحب کی اور پتہ نہیں کیا مصروفیات تھیں جو بھی ان کے معاملات تھے. تو یہ نون لیگ کا سب سے بڑا اس وقت فیس اسحاق ڈار کے بعد جو احسن اقبال ہے, ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کے آپ نے سن لیا ہے کہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ حالات ہیں, یہ صورتحال ہے, اس طرح سے ملک چلے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک پر, اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے ملک پر کرم کرے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. لیکن یہ بات جس طرح میں نے شروع میں کہی تھی کہ نون لیگ کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے, بڑا دھچکا ہے کہ پرانا معاشی جو ڈاکٹر ہے اس کا بھی آپ نے کچا چٹا سن لیا, اور نئے کا بھی آپ نے ان کی پارٹی کے لوگوں سے سن لیا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اللہ حافظ.